लो जी आ गया कुमड़ा। ये कुमड़ा पेठे जैसा दिखता है लेकिन पेठे से थोड़ा अलग होता है, कद्दू से थोड़ा अलग होता है। इससे बनता है स्पेशल पेठा आगरे का। अभी हाल ही में मैं आगरा गई थी, मथुरा गई थी, तो वहाँ मुझे पेठे की बहुत सारी दुकानें दिखी। जो दूर रहते हैं उन्हें पेठे का खाने का मन हो तो वो कैसे बनाएं, चलिए आज बना लेते हैं कुमड़े से पेठा। सबसे पहले इसे काटना होगा। ये होता है कुमड़ा, सफ़ेद रंग का होता है, इसके बीच में सीड्स होते हैं। कोई भी शेप देने से पहले इसके जो सीड्स हैं उन्हें हमें अलग करना होगा। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बस टाइम जरूर लगता है। ये पम्पकिन जैसा होता है, पम्पकिन पीला होता है, ये वाइट होता है, इसे कुमड़ा बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ ये पेठा मिलता है कि नहीं। पेठा कई वैरायटी का बनता है लेकिन बनता है इसी चीज़ से। अब पहले हम इसकी पीछे से स्किन को काटेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसकी स्किन भी हटा दी है, मोटी वाली, और ये जो यहाँ पर सॉफ्ट पार्ट होता है उसे भी हटा देना चाहिए। उसके बाद मनपसंद पीसेस कट कीजिए। आप बहुत छोटे, बड़े, गोल, लंबे, कोई भी पीसेस में कट कर सकते हैं। ये जो कुमड़ा होता है ये बहुत ही सस्ता होता है, करीब करीब 8 से 10 रुपए में किलो, मुश्किल से 50 से 60 रुपए में मिल जाता है। अब हमें जो भी शेप बनाना है उस शेप को आप कट कर लीजिए। अगर आपके पास हार्ट शेप का कोई मोल्ड है, कुकी कटर, उससे आप कट कर सकते हैं, और लंबा काट सकते हैं, गोल कट कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं। इसे ही हम रसीला भी बना सकते हैं, ड्राई भी बना सकते हैं। तो इसे सबसे पहले हमें अच्छे से वॉश करना होगा। वॉश करने के बाद हमें क्या करना है, पहला काम जो सबसे ज़्यादा है इसे प्रिक करना है। जितना ये जूसी बनाना है उतना आपको प्रिक करना पड़ेगा। तो हम घर में नॉर्मल कांटा ले लेते हैं, उसे इस तरीके से बहुत ही पास पास में इसे प्रिक करना है। एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से ये इस तरीके से प्रिक करते जाना है सारे पीसेस को। इसमें कुछ खास ट्रिक्स हैं, बस उन्हें आप एक बार समझ लेंगे तो ये इसे बनाना बहुत आसान होगा। पहले दिन सिर्फ आज हमें क्या करना है, इसे चूने के पानी में डालकर रख देना है। ओवरनाइट रखने के बाद दूसरे दिन इसे खूब अच्छे से धोना है। जितना अच्छे से धोएंगे उतना ही अच्छा होगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पेठा बनाने के लिए हमने उसे पीसेस में कट कर लिया था और काफ़ी अच्छे से उसे प्रिक भी किया था और उसे चूने के पानी में रख दिया था। सारी रात मैंने इसे चूने के पानी में रखा है, बहुत ही अच्छे से हो गया ये। अब क्या करना है, हमें इसे बहुत अच्छे से धोना है। जितना अच्छा हम इसे धोएंगे उतना ही पेठा हमारा परफेक्ट बनेगा। हर एक पीस को लेना है और इसे स्क्वीज करते हुए साफ पानी में डालना है। पीसेस आपको लगे कि ये इतना ठीक है तो चलेगा, नहीं तो आप इसके छोटे भी पीसेस कर सकते हैं। रात को मैंने इसमें कुछ गोल पीसेस भी डाले हैं अलग डिज़ाइन बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये पेठा है 3 किलो। जितना पेठा होता है उससे आधा हमें चीनी चाहिए होती है। अब यहाँ रखेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई पतीला जो भी आपके पास हो उसमें पानी रख देंगे। अभी हमें इसको बॉयल करना होगा, तो पहले पानी में उबाला आ जाए फिर हम पेठा डालेंगे। पानी में अच्छा उबाल आ गया है, इसमें सारे पेठे के पीसेस डालने हैं। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए। काफ़ी सारी क्वांटिटी में बन रहा है इसलिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक बॉईल किया है। इसे चेक भी कर लेते हैं और ये सॉफ्ट भी हो गया है, तो इसे हम निकालेंगे। यहाँ देखिए आपको ये देखना होगा कि कितना चेंज आया है, इस तरीके से ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, ये दूधिया कलर खत्म हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। इस मिठाई में जो खर्चा होने वाला है वो सिर्फ इस कद्दू का और चीनी का, और बाकी कोई इंग्रेडिएंट्स डलते ही नहीं है। टेस्ट के ऊपर है, वो बात की बात है। फिलहाल जो पेठा बेसिक जो बनता है चीनी और ये कद्दू से, तो ये चीनी मैं ले रही हूँ 1.5 किलो। एक बड़ी सी कढ़ाई लेती हूँ और 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। ये बहुत सस्ती मिठाई है, घर में जब बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी, मार्केट से ज़्यादा अच्छी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा ताज़ी बनेगी।
मैं इसे दो बर्तनों में पका रही हूँ क्योंकि पेठे की क्वांटिटी 3 किलो है और 3 किलो एक बर्तन में नहीं पक पाएगी, तो मैंने एक कुछ पीस पतीले में डाल दिए, कुछ पीस कढ़ाई में और आधी आधी चाशनी करके दोनों में पका रही हूँ। करीब इस पेठे को 20 मिनट तक लगेंगे पकने में। लो टू मीडियम गैस पर इसे पकाइए जब तक कि इसकी चाशनी गाढ़ी दो तार जैसी ना हो जाए। यहाँ पर मैंने कुछ इलायचियों को तोड़ा है जो कि इस पेठे की चाशनी में डाल रही हूँ, जिससे पेठे का स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। ये जो चाशनी है ऐसी गाढ़ी होनी चाहिए, आप देख रहे हैं कितनी गाढ़ी है, करीब दो तार की है। इतना हमें पकाना है इस चाशनी को। अभी मैंने गैस बंद करके इसे निकाल दिया है नीचे। अभी कुछ बूंदे हम इसमें केवड़े की डाल देते हैं, केवड़ा एसेंस या रोज एसेंस जो भी आपके पास हो, और नहीं तो इलायची तो हमने डाल ही दी है। बहुत ज़्यादा ना डालें, सिर्फ कुछ बूंदें ही डालनी है। इसे 8 घंटे कम से कम रेस्ट देंगे, इसी चाशनी में डूबा रहने देंगे। अब जो वैरायटी बनानी है, ड्राई बनाना है, कैसा बनाना है, ये हम कल कर पाएंगे, तो मैं मिलती हूँ कल आपसे। आज पेठे की मिठाई को हुआ है 3रा दिन। 3 दिन से हम कुछ काम नहीं कर रहे थे, बस आधा आधा घंटा हमें एक दिन देना पड़ा, तो 2 दिन हो गए, आज 3रा दिन है। आज देंगे पेठे की मिठाई को फाइनल टच। यहाँ जो पेठा है ये काफ़ी अच्छा ड्राई है, मतलब इसकी जो चाशनी है काफ़ी थिक है। अगर ये यहाँ पर लूज़ हो जाती है किसी वजह से, या पेठा अपना पानी छोड़ देता है, इसका मतलब आपको एक बार दोबारा उबालना पड़ेगा। लेकिन ये काफ़ी थिक है और ये देखिए बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो रहा है, तो अभी करेक्ट टाइम है इसे हमें ड्राई पेठा बनाने का। हम हर पीस को निकाल कर एक जाली पर रखेंगे, जिससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा उसमें सिरप होगा वो निकल जाएगा और हवा लगते ही ये सूख जाएगा। हमें धूप में नहीं, पंखे के नीचे ही सुखाना है। पीसेस को आप चाहें तो थोड़े छोटे छोटे भी कर सकते हो। ये जो काला काला आपको दिख रहा है ये इलायची के दाने हैं, तो इसलिए कोई टेंशन ना लें, बहुत ही बढ़िया पेठा बनकर तैयार होगा। मुझे तो लगता है इतने प्यार से हमने बनाया है, आपने भी मुझे साथ दिया है 3 दिन से, तो ये जो है ना पेठा मार्केट से ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। ये जो पेठा ड्राई हो जाएगा इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, तो इसे तो हम ड्राई कर लेंगे। बाकी 2 वैरायटी और बता रही हूँ, यहाँ पर मैं नारियल का बुरादा ले रही हूँ, डेसिक्रेटेड कोकोनट, और ये जो राउंड पीस हमने बनाए थे ना उसे मैं इस चाशनी के ऊपर डालती जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा रसीला पेठा बना है। अब हमें हर पीस के ऊपर थोड़ा थोड़ा डेसिक्रेटेड कोकोनट लगा के इसे इस तरीके से रखना होगा। ये इलायची, केवड़ा एसेंस और साथ में कोकोनट बहुत ही अमेजिंग लगेगा। आपने देखा ना, इस तरीके से हम कई वैरायटी बना सकते हैं, कई फ्लेवर में, कई कलर में, बहुत सारे बना सकते हैं। पर नॉर्मली हमें 2-3 जो फ्लेवर ज़्यादा पसंद आते हैं वही मैं बना रही हूँ। एक ड्राई पेठा हो गया, एक कोकोनट हो गया, अब जो बचा हुआ है उसे मैं केसर का फ्लेवर दे रही हूँ। अंगूरी पेठे का मतलब ये होता है कि इसे हमें सुखाना नहीं है, ये सिरप के साथ होता है। इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, मतलब 15 दिन तक चल सकता है। इसको हम सिरप के साथ निकालने वाले हैं। हम इस मिठाई को ड्राई भी बनाएंगे तब भी वो अंदर से रसीली बनेगी। यहाँ मेरे पास केसर, जब हम कल इसको उबाल रहे थे तो गरम चाशनी में मैंने थोड़ी केसर की धागे डाल दिए थे, जिससे क्या होगा इसे बढ़िया सा कलर आ गया है। अब ये थोड़ी देर जब ये केसर में भीगता रहेगा तो बढ़िया सा येलो कलर पेठा बन जाएगा। ये बहुत मिलता है शादियों में और ये बहुत ही बढ़िया मिठाई है, हमारे साइड तो बहुत मिलती है। तो अगर आपके यहाँ ये मिठाई नहीं मिलती है, आप इस मिठाई से वंचित हैं, मतलब नहीं कभी खाई या सोचते हो कि ये कहाँ मिलेगी, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने इतना सरल तरीका आपको बता दिया है, चूना बस चाहिए, चूना किसी पान की दुकान पर मिल जाएगा और कोई भी टाइप का आप पेठा मनपसंद बना सकते हो। जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। सूखने के बाद ये भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, सफ़ेद लगने लगेगा, और केसरिया जो पेठा है इसे भी हम ड्राई कर सकते हैं, मतलब अभी केसर डाल दिया है उसके बाद इसको भी हम ड्राई कर सकते हैं, और ऐसे रसेदार खाना है तो वो भी ले सकते हो। और इसे सूखने में 1 दिन का समय लगेगा, ये वाइट हो जाएगा। ये तीनों टाइप के पेठे तैयार हैं, आप कितनी वैरायटी बनाना चाहेंगे ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपने कभी पेठा बनाने की कोशिश की है, सक्सेसफुल हुए हो या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे सस्ती, सबसे टेस्टी, सबसे सुंदर मिठाई, हर घर में बनने वाली मिठाई, ये है पेठे की मिठाई। और हाँ, अब आगरा भी जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही बना सकते हैं।
मैंने इसे जाली पर 3-4 घंटे के लिए रख दिया था। बहुत अच्छी हवा लग गई है, अच्छा ड्राई हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई मैंने नहीं किया है। तो आपको अगर ज़्यादा ड्राई करना है तो पूरा दिन रख सकते हैं। देखा ना आपने, पेठा बनाना कितना आसान है। 3 दिन यूं लग तो रहे हैं, मुश्किल से आधा आधा घंटे का काम है जो हम कर रहे हैं। और बहुत ही आराम से पेठा मार्केट से ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा रसीला बनता है। बहुत अच्छे पेठे की मिठाई बन चुकी है, इसे आप जरूर ट्राई करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप इसे इन्हीं ट्रिक्स के साथ बनाएंगे। तो मैं आपको वो रेसिपी देती हूँ जो आम तौर से हम घरों में नहीं बनाते और सोचते हैं ये मिठाई हम बना कैसे पाएंगे। बड़ी आसानी से इन ट्रिक्स के साथ मिठाइयों को आप बना सकते हो। और आपको ये कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।